छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है और ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, तभी ग्लूकोज बोतल के स्टैंड से एक चूहा नीचे उतरता है और मरीज के नस में लगी पाइप को कुतर देता है। जी आपको बता दें कि इसी बीच एक और चूहा नीचे उतर कर उस पाइप से बहने वाले ग्लूकोज को पीने लगता है। इस पूरी घटना को बगल के बिस्तर पर भर्ती दूसरे मरीज के परिजन ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके उसके लिए संभाग मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज अस्पताल तैयार किया गया था। वहीं स्वा बलराम कश्यप मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों करवाकर इसे स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया गया था। मेडिकल कॉलेज में बस्तर जिले के अलावा अन्य जिलों से मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं, जिसमें आदिवासी मरीजों की संख्या अत्यधिक होती है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक टिंकू सिन्हा ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि चूहों की समस्या काफी बढ़ी हुई है, इसी वजह से चूहों की सफाई के लिए एक निजी कंपनी को इसका टेंडर भी दिया गया है। अब तक 1200 चूहे मारे गए हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वैसे मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई मरीजों के परिजन अस्पताल की कई लापरवाहियां उजागर कर चुके हैं। कई बार तो मरीजों के परिजनों के द्वारा लापरवाही की आवाज उठाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। इलाज नहीं करने की धमकी देकर मामले में जिम्मेदार कार्रवाई से बच रहे हैं।